Good morning, students. Today I am going to tell you about the second half chapter of the Markhor. So please, students, listen carefully and try to understand it properly. So let's start the chapter. Last hum the ki their corkscrew horns are somewhat reminiscent of the snake's winding बॉडी कि जो उसके घुमावदार जो सींग हैं वो किस तरह से होते हैं रेमिनिसेंट होते हैं सेम एज ऐसे लगते हैं जैसे स्नेक की एक सांप की लचकदार बॉडी होती है हैंस द नेम मार्कर दैट इज स्नेक ईटर जो मार्कर का नाम है उसका मतलब जो मार्कर वर्ड है उसका एग्जैक्ट नेम उसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि स्नेक ईटर स्टूडेंट्स Can we see the picture of the marker? Student कहते हैं क्या हम marker की picture दे सकते हैं teacher? Yes, I do have some picture for you. जैसे कि ये picture आपको दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो marker उसके घुमावदार सींग भी दे सकते हो तो next है physical description हो गया शारीरिक वर्णन उनका शारीरिक वर्णन दिया गया उसकी length दी गई है कितनी होती है एक marker की height उसकी कितनी बढ़ती है tail की length उसकी कितनी होती है उसका weight कितना होता है next is the teacher continue आगे teacher बात को जारी रखता है the grizzle light brown to black coat is smooth and short in summer and it is grow longer and thicker in winter male have long hair on the chin throat chest and shanks while females are redder in color with shorter hair a short black beard and are maneless यहाँ पे अध्यापक बात को जारी रखता है कि बदन के ऊपर उसकी बॉडी के ऊपर हल्के भूरे रंग के बॉडी के ऊपर ग्रिजल होता है छोटे छोटे वैसे तो होता है पिन पिनाने का मतलब हो गया यहाँ पे सॉफ्ट ग्रिजल मीन्स सॉफ्ट छोटे लाइट ब्राउन टू ब्लैक मीन्स कि भूरे कलर से काले कलर की उसके ऊपर कोट होती है कोट मीन्स कि उसकी फर होती है स्मूथ जो कि बहुत ही स्मूथ होती है सॉफ्ट होती है और एंड शॉर्टर इन समर और वो गर्मियों में क्या होते हैं वो छोटे हो जाते हैं मीन्स कि उनकी जो स्किन है उनकी जो फर है वो क्या छोटी होती है समर्स में एंड इट ग्रो लॉन्गर इन एंड थिकर इन विंटर और विंटर में सर्दियाँ आते वो क्या हो जाती है उनकी जो फर होती है वो लॉन्गर बड़ी बड़ी और उनके भी जो मीन्स की शरीर पे जो बाल होते हैं वो बड़े बड़े और थिक घने हो जाते हैं मेल्स हैव लॉन्ग हेयर ऑन द चिन जो मेल्स होते हैं जो नर गोट होती है नर मार्कर जो होते हैं वो हैव लॉन्ग हेयर ऑन द चिन उनकी चिन होती है ठोड़ी पर लंबे बाल होते हैं उनके थ्रॉट पे गले पे उनकी चेस्ट पे छाती पे उनके सेक्स उनके शैंक्स पे ठीक है शैंक्स होते हैं यांगे जिसे बोलते हैं ठीक है वाइल फीमेल्स जो होते हैं आर रेडर इन कलर वो लाल रंग में ज़्यादा होते हैं इनका कलर लाइट ब्राउन टू ब्लैक होता है इनका और जो फीमेल होती है जो नर मार्कर होते हैं उनका वो लाल रंग में ज़्यादा होती हैं विथ शॉर्टर है उनके छोटे छोटे बाल होते हैं शॉर्ट ब्लैक बियर्ड होती है उनकी छोटी छोटी काली दाढ़ी होती है एंड आर मेनलेस और क्या होते हैं छोटे होते हैं और लाल होते हैं अपेक्षाकृत छोटे होते हैं उनकी छोटी सी काले रंग की दाढ़ी होती है और गर्दन के ऊपर कहीं कोई बाल नहीं होता मैनलेस होता है कि जैसे गर्दन के पीछे वाला हिस्सा जो आप हमारी नेक होती है उसके पीछे वाला हिस्सा मीन्स कि जो उनकी नेक होगी उनके पीछे वाले हिस्से पे कोई बाल नहीं होता है एंड आर मैनलेस होता है लेस का मतलब कम होना तो कम होना मीन्स कि कमी होना उनके गर्दन के पीछे कोई बाल नहीं होता है द टाइटली कर्ल्ड कॉकस्क्रू हॉर्न आर प्रेजेंट इन बोथ द सेक्सेस और लेकिन जो उनके घुमावदार सिंग हैं वो दोनों में सेम ही होते हैं चाहे वो नर मार्कर हो चाहे मादा मार्कर हो मीन्स कि मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में सेम ही उनके हॉर्न्स होते हैं ठीक है इन मेल्स दे कैन ग्रो अप टू 160 मेल्स इन मेल्स में क्या होता है कि ये ग्रो अप करते हैं बढ़ते हैं 160 सेंटीमीटर से लेके 160 सेंटीमीटर और 64 इंचेस तक बढ़ते हैं एंड अप टू 25 सेंटीमीटर 10 इंचेस इन फीमेल्स तक होते हैं ठीक है मीन्स कि इनकी जो ग्रोन अप होने की जो लिमिट होती है वो इतनी बताई गई है
नेक्स्ट इज, ये आप यहाँ पे पिक्चर को देख सकते हो, मार्कर की पिक्चर्स को, इनके हॉर्न्स देख सकते हो, ये देख सकते हो इनके बियर्ड में ब्लैक बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होता है प्रजनन. प्रजनन होता है जैसे किस तरह से इनका जन्म वगैरह होता है. जेस्टेशन पीरियड. जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है, जेस्टेशन का मतलब होता है गर्भकाल, मीन्स की प्रेगनेंसी का पीरियड. गर्भकाल इनका 135 से 170 दिन तक का होता है. यंग वंस पर बर्थ 1 और 2 रियली थी. ये यहाँ पे जो जन्म देते हैं, जो मादा मार्कर होते हैं, वो जो जन्म देती है वो एक या दो, या रेयर ही कभी ऐसा होता है कि उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया हो. ठीक है. वीनिंग होती है एट 5 to 6 मंथ. वीनिंग होता है दूध छुड़ाई, मीन्स कि 5 से 6 महीने पर होता है. सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है यौन परिपक्वता, मीन्स कि 18 से 30 महीनों पर होता है. ठीक है. सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है 18 से 30 मंथ तक हो जाती है. लाइफ स्पेन जो है इनका, जो लाइफ स्पेन है मीन्स कि इनकी जो लाइफ होती है ये 12 to 13 years तक ही होती है, या 12 या 13 साल तक ही जीते हैं. नेक्स्ट इज टीचर. टीचर कहती है, टीचर कहता है द मैटिंग टेक प्लेस इन विंटर. द जेस्टेशन पीरियड लास्ट बिटवीन 135 to 170 days एंड यूजली रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ 1 or 2 kids, रेयरली 3. मार्कर लिव इन फ्लॉक्स यूजली नंबरिंग 9 animals कंपोज ऑफ एडल्ट फीमेल एंड देयर यंग वंस. एडल्ट मेल प्रेफर आइसोलेशन. ठीक है. जो यहाँ पे ये बताया गया है, जो इनकी मीन्स की जेस्टेशन पीरियड जो होता है उसमें बताया गया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा था यहाँ पे, वही यहाँ पे आपको बताया गया है कि गर्भ विधि जो है इनकी 135 से 170 दिन तक की चलती रहती है. उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये प्रायः 2 या 2 से 3 तक ही बच्चों को जन्म देते हैं. इनके किड्स को हम कहते हैं मेमने कहते हैं ना, तो उनको ही जन्म देते हैं. यद्यपि कब क्या होता है, मार्कर जो है लिव इन फ्लॉक्स, कभी कभार क्या होता है 3 ही जन्म को देते हैं. और मार्कर जो है झुंडों में, फ्लॉक्स होते हैं झुंड, झुंडों में, फ्लॉक्स मीन्स झुंड, मार्कर जो है ज़्यादा झुंडों में रहते हैं, जिनकी गिनती जो है मीन्स की कितनी होती है, 9 animals की, मीन्स की 9 का ग्रुप बनता है, एक झुंड बनता है. कंपोज ऑफ एडल्ट फीमेल, कंपोज ऑफ एडल्ट फीमेल एंड देयर यंग वंस. ठीक है. जिसमें जो युवा फीमेल्स होते हैं, एडल्ट फीमेल, युवा जो फीमेल्स होती हैं और उनके बच्चे होते हैं. ठीक है. एडल्ट मेल्स प्रेफर आइसोलेशन. और जो एडल्ट मेल्स होते हैं, एडल्ट फीमेल्स के साथ उनके बच्चे भी होते हैं, और लेकिन एडल्ट मेल्स के साथ उनके बच्चे नहीं, बल्कि वो आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले. ठीक है. वो अकेले होते हैं. स्टूडेंट, व्हाट डज द मार्कर ईट. मार्कर क्या खाते हैं. टीचर, आगे से टीचर कहता है, देयर डाइट शिफ्ट सीजनली इन स्प्रिंग एंड समर. इन स्प्रिंग एंड समर पीरियड दे ग्रेज. स्प्रिंग में और समर के पीरियड में ये क्या करते हैं, ग्रेज होता है चरना, घास वगैरह चरते हैं. दैट इज़ दे ईट ग्रास, जिसमें कि वो घास खाते हैं. बट टर्न टू ब्राउजिंग इन विंटर. लेकिन वो क्या करते हैं कि विंटर में क्या होते हैं, सर्दियों में ये ब्राउजिंग होता है इन विंटर. ब्राउजिंग मीन्स कि पत्ते खाना, मीन्स कि लीव्स, जिसे हम लीव्स कहते हैं. और विंटर में, सर्दियों में, गर्मियों में ये क्या करते हैं, घास चरते हैं, और सर्दियों में ये ज़्यादा पत्ते वगैरह खाते हैं. ठीक है. दे फीड ऑन लीव्स सच दैट, जिसे हम ब्राउजिंग का मतलब कि दे फीड ऑन लीव्स, जिसे वो पत्ते कहते हैं. दे आर हर्बीवोरस एनिमल. ये हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, क्यों, क्योंकि ये ग्रास वगैरह खाते हैं. एंड स्नेक ईटर इज़ अ मिसनोमर. स्नेक ईटर जो है इनका गलती से, आई मीन टू से, गलत नाम पड़ा हुआ है, जबकि इनके नाम का मतलब, मार्कर का मतलब, मार एंड खोर 2 words को मिला के मार्कर बनता है. इसका मतलब होता है स्नेक ईटर. कहने को तो मार्कर का मीनिंग स्नेक ईटर ही है, लेकिन ये स्नेक ईटर होते नहीं हैं. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था फर्स्ट हाफ चैप्टर में कि ये शाकाहारी होते हैं. ठीक है. ये मांसाहारी नहीं होते हैं. तो ये ज़्यादातर क्या करते हैं, घास वगैरह खाते हैं. और जो स्नेक ईटर इनका जो ये नाम पड़ा है, ये एक गलती से नाम पड़ा है, ये गलत नाम है. आई मीन टू से, इनका मार्कर वर्ड का ही मतलब स्नेक ईटर होता है. मतलब होने से ये नहीं होता कि वो वैसा ही जानवर होगा.
However, these animals serve as prey for wolves, leopard and humans. ज़्यादातर ये animals क्या हो जाते हैं? Prey, P-R-E-Y, prey means शिकार. Prey means शिकार हो जाते हैं. किसका? Wolves क्या होती हैं? भेड़ियों का, चीतों का या हम जैसे इंसानों का शिकार हो जाते हैं. मींस कि ये जो गोट्स होती हैं इनका शिकार फिर भी भेड़िए कर लेते हैं या चीते कर लेते हैं या हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं वो कर लेते हैं. यहाँ पे देख लीजिए डिस्क्रिप्शन दिया है कि डाइट इनकी होती है ग्रास या लीव्स. ठीक है. मेन प्रीडेटर होता है, जो उन्हें उनका शिकार करते हैं. वो ज़्यादा कौन होते हैं? वॉल्फ, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, लिंक्स एंड ह्यूमंस ही होते हैं जो इनका शिकार करते हैं. नेक्स्ट इज शन. शन इज इट ऑल्सो एन एंडेंजर स्पीसीज. शन पूछता है कि क्या ये भी मीन्स की लुप्त होने वाली, आई मीन संकट में पड़ी हुई प्रजाति है? क्या ये भी ऐसी ही प्रजाति है? तो टीचर कहता है यस, लाइक द वेक्ट्रिन कैमल. जो आपने वेक्ट्रिन कैमल के बारे में पढ़ा था ये भी वैसी ही है. इट्स नंबर इज़ डिक्रीजिंग. इसका भी नंबर क्या हो रहा है? मीन्स की ये ख़त्म होते, डिक्रीजिंग में आ रहे हैं, ये ख़त्म होते जा रहे हैं. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ क्लासीफाइड द मार्कर एज एन एंडेंजर्स. जो इंटरनेशनल यूनियन है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संघ बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन मींस कि अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसने कि जो कि नेचर को, कुदरत को और कुदरत के रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको बचाने के लिए जो काम करते हैं, उन्होंने ये बताया है, उन्होंने ये क्लासिफाइड कर दिया है कि जो मार्कर है इज़ एन एंडेंजर स्पीसीज. वो भी एक क्या है, संकट में पड़ी हुई प्रजाति है. मीनिंग इट इज़ डेंजर फॉर फेसिंग एक्सटेंशन इन द नियर फ्यूचर. कि आने वाले समय में, नियर फ्यूचर मीन्स कि आने वाले समय में ये जो है क्या, ये प्रजाति जो है खतरे में पड़ सकती है, खतरा फेस कर सकती है. मीन्स कि इसकी इसे ये लुप्त हो सकती है, वैनिश हो सकती है. इफ़ कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नॉट मेंटेन. अगर इनको बचाने के, कंजर्वेशन होता है बचा के रखना, प्रिजर्व करना, अगर इनको बचाने की कोई भी कोशिश जारी ना रखी गई होगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे. देयर आर अराउंड 2000 to 4000 मार्कर एग्जिस्टिंग इन द वाइल्ड. अभी तक यहाँ पर एक मीन्स कि जंगल में अभी तक मार्कर जो है, इनकी मार्कर की संख्या जो है 2000 से 4000 के बीच की संख्या ही बची हुई है. एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्टिंग होता है बचा हुआ, पीछे जो बचा हुआ होता है पाई जाती है. ठीक है, अभी तक इतनी ही इनकी संख्या पाई जाती है. श्यान सोनम, आई वॉन्ट टू सी द मार्कर. श्यान कहता है सोनम से, सोनम एक लड़के का नाम है, लड़की का नहीं, सोनम से कि आई वॉन्ट टू सी द मार्कर, मैं मार्कर को देखना चाहता हूँ. टीचर, टीचर कहता है पे अटेंशन चिल्ड्रन, नो साइड टॉक्स प्लीज़, कि ध्यान दीजिए, आपस में बातें मत कीजिए. श्यान थ्रिल्ड विद द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मार्कर, ही आस्क सोनम. वो सोनम से कहता है एंथुसियास्टिकली, एंथुसियास्टिकली होता है बहुत ही उत्सुकतावश, कैन आई सी इट, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? सोनम, शैल वी हैव टू प्लान अ ट्रिप early in the morning to the upper reaches where we have a glimpse of them from a close distance near a brook. सोनम कहता है कि वी शैल हैव टू प्लान, कि हम एक प्लान बना सकते हैं, मीन्स कि एक प्लान कर सकते हैं कि हम एक ट्रिप बनाएं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी की एक ट्रिप बनाएं टू द अपर रिचेज, कि वहाँ पे पहुँचने के लिए वेयर वी कैन हैव अ ग्लिम्स, जहाँ पे कि ग्लिम्स होता है झलक, मीन्स कि हमें वहाँ से उनकी थोड़ी सी झलक दिख जाए, ऑफ देम फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस, हमारे नज़दीक से ही उनकी थोड़ी सी हमें झलक दिख जाए, नियर अ ब्रुक, जो कि छोटी जलधारा के पास मीन्स कि वो पाए जाते हैं, छोटी छोटी जो जलधाराएँ होती हैं, मीन्स कि नदियाँ वगैरह, उनके पास वो पाए जाते हैं, वहाँ से हमें उनकी एक झलक दिख जाए, उसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिप बनानी होगी जो अर्ली मॉर्निंग होगी.